हरिओम हैप्पी नवरात्रि भगवान जी की सारी शक्तियाँ हमें पता चल गई हैं कि दुर्गा क्या है चंडी क्या है ये सब चीज़ें आपको ज्ञान से रोज रोज़ पता चल रही हैं थैंक्स टू भगवान जी थैंक्स टू भाग्यवान हैं कि गुरु मिला तो हमें पता चला कहाँ से पता चलना था ये सब औरों ने भी गुरु करे होते हैं मंत्रधारी गुरु भी होते हैं लेकिन ऐसी प्रज्ञा विवेकानंद बना देता है गुरु तुम्हें फर्स्ट शैलपुत्री दूसरा हो गया ब्रह्मचारिणी वो तपस्या वाली है पहले पैदा होते हैं हम फिर तपस्या में जाते हैं और फिर उसके बाद आ, मेरा जो जन्म हुआ था वो ये वाले नवरात्रे में हुआ था ब्रह्मचारिणी वाला तभी मुझे ब्रह्मचारी बहुत अच्छा लगता था तपस्या बहुत अच्छी लगती है मेरा बस चलो तो पानी भी नहीं पीऊँ मैं फिर उसके बाद भगवान जी मिले तो फिर उसमें काम क्रोध मोह लोभ ये वाली तपस्या पे लग गई पहले वो करी अभी ये वाली करी दुश्मन को भी मेरे को कुछ नहीं निकले वैसे तो दुश्मन होना ही नहीं चाहिए हमारा नहीं है दूसरा भले करे तो भी हमारी अच्छी भावना निकली किसने बनाया अभी आप लोगों को भी ऐसा ही बनना है तीसरा नवरात्र है अपने पास्ट को खत्म करने का पिछला कुछ देखो कैसे कैसे माता रानी की वो हमारा चक्रास बढ़ते जाते हैं पहला मूलाधार चक्र है दूसरा उसमें शैलपुत्री दूसरा है स्वादिष्ठान तीसरा मणिपुर चक्र है ये अनदर अनदर कुंडलनी शक्तियां है ये सारियां हमारी फिर जनरल के लिए उन्होंने ये बना दिया वैष्णो देवी बना दी फिर सारी कहानियां बनाई सब कुछ करा शेर की सवारी दे के औरत को हमें सिखा हर कोई हमें सिखा रहा है सिर्फ हम जिज्ञासु नहीं बने हैं हम जब सत्संग में आते हैं बोलते हैं, मूड आते हैं हम बुद्धि इतनी भ्रष्ट होती है फिर हम जिज्ञासु बनते हैं टू नो एंड टू लर्न एवरीथिंग फिर ज्ञानी बनते हैं फिर भिक्षु बनते हैं फिर मुक्षु राजा जनक वाला बनते हैं फिर तो टॉप के पहुंच गए तो अगर मैं अपने इस इस नवतीसरे पे जो मैं बोल रही हूँ इसमें हम सब कुछ हमने भगवान जी ने बोला आते साथ समेटो जो बिखरा पड़ा है इस, इस समेटने की शक्ति होती है समेटो बैंकों में जो लोगों ने दस दस बैंकों में पैसे थे भगवान जी के पास आने के बाद एक एक ने तो हरिद्वार में बोला था जब सुना ना समेटो समेटने की शक्ति हमारी होती है बोलते भगवान जी रुको मैं आठ दिन के बाद आता हूँ वो गया जहाँ जहाँ फॉरेन में भी इंडिया लंदन, अमेरिका इधर भी पता नहीं कितने बैंकों में सब था तो सारा समेट के फिर भगवान जी के पास आया तो भगवान बोलते तूने तो बच्चों के लिए इतनी मुश्किल डाली हुई है जगह जगह बिखरा डाला हुआ है ऐसे ही घर समेटते हैं रिश्तेदारियाँ समेटते हैं किचन समेटते हैं रात को इस समेटने का तीसरा नवराता है इस इस शक्ति का तो फिर ऐसे है ये अगर फिर मेरे ऊपर मैंने सिमटा पड़ा है तो मेरे को दूसरों की बातों का असर नहीं होगा प्रभाव नहीं पड़ेगा भगवान जी ने क्या कहा साक्षी होकर रहो देखने वाले बनो अगर जीवन जीना है उसमें आत्मा के गुण आने चाहिए क्वालिटीज कौन कौन सी क्वालिटी है पीस शांति प्यार हारमनी पीस लव हारमनी रिस्पेक्ट ये सारे ही बोल रहे हैं मैं कितनों को देखती रहती हूँ सबको रिस्पेक्ट दो जो नहीं है बेचारा वो छोटी बुद्धि का उसको भी रिस्पेक्ट दो वो भी खुश हो जाएगा और फिर इन गुनों को हमने रोज एप्लीकेबल लाना है हम क्या करते हैं सुन लेते हैं चैनल पे सुन लिया यूट्यूब पे सुन लिया सत्संग में सुन लिया फिर खत्म नहीं किसी को शाम तक पूछो क्या वचन लिया उसको लगेगा ही नहीं वो हैबिट में ही चलेगे सिर्फ हमेशा के लिए याद रखो सूक्ष्म में आत्मा ने कितनी बातें पकड़ रखी हैं जन्मों जन्मों की जो पीछे आपको श्राद्धों में मैंने कितने सत्संग दिए हैं सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के कितनी गांठें बंधी हुई हैं हमारी कितनी बातें पकड़ी हुई हैं अगर हमें पावरफुल रहना है हमें सब बातों को डिलीट करना पड़ेगा मोबाइल पे डिलीट करते हो ना शक्तिशाली बनना है तो हमें इतने भारी बैग लेके हम कैसे हाई हाई करेंगे ना इसलिए खाली हो जाओ जब हम दुनिया से जाएं तो बिल्कुल खाली हो रियली really बहुत मज़ा है मैं बोलती हूँ ना मेरे को कितने हर जन्म में कैवली सिद्धि भी बोलने की बात अभी तुम्हें जरूरत नहीं है गुरु की तुम पहुँच गए हो गया नहीं मुझे सिर्फ भगवान जी चाहिए बस नहीं चाहिए कैवल्ली की सिद्धि भी ये प्यार होने दो बोलने दो मुझे क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट में नेक्स्ट बर्थ में मैं कई ऐसे लोगों के जैसे होंगी मैं भ्रष्ट होगी और मुझे प्यार ही नहीं है लाइव में ही तो प्यार है मूर्ति में थोड़ी होता है लाइव में उसने परीक्षाएँ ली हैं मेरी फिर भी मैं डगमगाई नहीं हूँ और आज आप तक पहुंची हूँ जिंदे में ही तो सब कुछ मजा है अभी माँ बाप हैं तुम एक घी का चम्मच नहीं पिलाओगे और जब मर जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए टन के टन घी उस शमशान में डालते हैं फोटोज लगाते हैं बड़ी बड़ी कितने लोगों को आप लोगों ने भी देखा होगा ना ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं मेरे को दिखाई दिया आपको नया प्यारे बच्चे हो भगवान जी के कितना शो ऑफ करते हैं दुनिया को दिखाने का और जब जिंदा थे तो कोई पानी भी नहीं पूछता था इसलिए मुझे ये बर्थडे में विश करना साल में एक बारी वो घर में सास ससुर बैठे होंगे कमरे में लेकिन कोई नहीं पूछता होगा और बर्थडे के दिन सारी दुनिया को रिश्ते हमने उनका बर्थडे मनाया कुछ करा क्या फ़ायदा है ये रोज के रोज प्यार दे दो कहीं मैं पढ़ रही थी माता पिता को उसका दुख नहीं लगता है जितना बेटे की उनसे निराशा मिलती है जो बात तक नहीं करते हैं पता नहीं सुना देती हूँ वह लेडी जो थी सास थी जो आ, बहु बेटे के पास आए हैं जब उन्होंने बच्चे को पढ़ाया तो उसको सारा पैसा खर्च ये नसीहत है जो भगवान जी भी हमें सिखाते थे इतना भी मत लगा दो उसमें कि अपने लिए बच्चे ही नहीं पैसा गुरु क्यों चाहिए होता है ये बातें तो बताता है वो सारी हमें हमारी बुद्धि नहीं होती है तो फिर बहुत स्मार्ट थे वो दोनों जने लेडी भी इतनी हाईली वो मिडिल क्लास भी उससे भी ऊपर लगती थी तो फिर उसने जब सब कर दिया तो बाद में देखा कि ये तो पूछते ही नहीं है बेटा बेटा पूछता ही नहीं है लेडी जो थी पहले माँ थी लेकिन पति ने जब सारा पैसा लगा दिया हुआ था फिर उसको किडनी की जब प्रॉब्लम आई हुई पैसा चाहिए था तो सुनना ध्यान से ट्रू स्टोरी है ये इस लेडी ने बेटे की माँ ने उस समय माँ नहीं रही वो पत्नी बन गई अपने पति की और सीधे कोर्ट में गई ऑर्डर कर दिया कोर्ट में जाके केस कर दिया कि देखो वो बुढ़ापे में हमको नहीं पूछ रहा है ये और फिर उसमें केस चला लंबी कहानी थी मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ आपको समझ गए होंगे आप सारे ही तो फिर उसने पच्चीस हजार हर महीने उसको देना ही देना है कोर्ट में इधर तक नौबत ला देते हैं बच्चे लेकिन है कर्म कहानी अपनी एक को क्यों नहीं है दूसरे को है हम ज्ञान से देखो तो है ये है और जहाँ तो संचित खत्म करो जहाँ फिर पड़े रहने दो दोनों चीज़ें हैं अगर आप सामने हाल में हो सत्संग में तो बहुत मजा आए इस टॉपिक पे बात करने का ये दोनों चीज़ें हैं ज्ञान से मैं समझती हूँ कि कौन बेटा बहू ये सब जो हमारे ज्ञान से कर्म प्राणी आए हैं जब हमने नहीं दिया होगा वो भी ऐसा करने आए हैं और प्रैक्टिकल वे से अभी वो क्या कर्म करम देखे वो सीधे गई कोर्ट में केस कर दिया और मजे से अभी पति के साथ अपनी माँ का रोल छोड़ के एक माँ कर सकती है कभी हाउ स्मार्ट शी वॉज और उसने ऐसा करा तो आप सीखो इन सब चीज़ों को ताकतवर बनना है हमने अपने कार्मिक अकाउंट हमने खत्म करने हैं माफिया 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 ये तीसरे नवरात्रे की शक्ति की बातें कर रही हूँ इस समय पहले शराधों का हो गया इंसेस्टर्स का अभी ये हो गया क्षमा भाव क्षमा भाव इसमें जाना है माफ 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू जब तक जी रहे हो इग्नोर करना पड़ेगा ना नहीं तो सड़ जाएंगे मर जाएंगे हम अपने ही घर में रह के कैसे करोगे इतने शुक्राने गाँव भगवान जी के हे गजगवासी दादा लक्ष्मी भगवान की जिन्होंने हमें ये प्रज्ञा दी है सहन करने की तो जब तक हम हैं संसार में तब तक तो हम बिखेरा थोड़ी डाल के रखेंगे अपने कर्मों का अपने थॉट्स का अपने चीजों का सब समेटना है भगवान जी ने बोला था जो तिजोरी की चाबी है वो भी किसी को पता होनी चाहिए एक जने को सब हंसते थे नहीं भगवान हमने नहीं देना जीते जी किसी को भी नहीं देनी है बाकी चीजें ऐसी हो कि तुम्हें किसी को पूछना नहीं पड़े वो चीज पड़ी है तो बिखेरा नहीं डालना है तीसरे नवरात्रे में आपको तीसरी मणिपुर चक्कर का बता रही हूँ सिमटा हुआ होना चाहिए सब नहीं तो सारा टाइम बोलते रहोगे ये मेरी सुनता नहीं है मैंने तो किया था इसने नहीं किया था सब कचरा है ज्ञान के बाद बहुत छोटा लेवल लगता है मैंने इतना दिया मैंने इसकी शादी में सोने के गिलास दिए इसने चांदी के दिए इसने ये करा मैंने ये करा वो करा रोज की ये इसमें अपनी आत्मा हमारी कमजोर पड़ जाती है ये मुझे सुनता नहीं है ये मेरी बात नहीं करता है आत्मा की शक्ति घट जाती है पहले सतयुग के लोग थे वो इन चीजों को इग्नोर करते थे कितने कितने बच्चे होते थे नो नो दस दस बच्चे भी होते थे कैसे पालते थे पैसा भी इतना नहीं होता था लेकिन प्यार कितना था शक्तियाँ कितनी थी उनके पास और अभी धीरे 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 समय आया कि लोगों ने सब छोड़ दिया छोटे छोटे बच्चों के स्वभाव भी देखो क्या बन गए हैं सारे हर कोई चीजें पकड़ के बैठा है ये हिसाब किताब खत्म ही तो करने आए हैं हम जितना मौन रखोगे नवरात्रों में जितनी अपने शांत मेडिटेशन में जाओ शांत हो जाओ नौ दिन के लिए फिर उसके बाद आदत पड़ जाएगी आपको ये हैबिट अभी बना दो ये नहीं मैं बोलती नौ दिन के लिए फिर नहीं पाँच दस मिनट अपने लिए रखने ही रखने हैं किसी से ज्यादा बातें नहीं करो फिर आजकल कर तो करोगे तो कुछ ना कुछ बवंडर हो जाएगा घर में माता रानी को बिठाया होगा लोगों ने लेकिन घर की माँ जो है उसकी अगर एनक टूटी है दूध मांग रही है कुछ मांग रही है नहीं दे रहे हो तो माता रानी खुश थोड़ी होगी घर की लेडी सी तो लक्ष्मी है बहू जो है लक्ष्मी है माँ है जितनी भी औरतें हैं वो घर की माता रानी ही तो है उनको ना पूछ के हमने वो भी करो लेकिन ये जरूरी है पहले इससे माता रानी खुश हो जाती है गुरु भी खुश हो जाता है कि इसने मेरा कहना माना है हमने आज पास्ट को ख़त्म करना है नया शुरू खाता करना है पुराने खाते ख़त्म करने हैं जो भी मेरी वजह से किसी को हर्ट हुआ कुछ हुआ हम उसको सब खत्म करके नया शुरू करते हैं और दोबारा नहीं करेंगे इस गिल्ट में नहीं रहेंगे हम हम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखेंगे किसी से ऐसा होना चाहिए मेरे मुताबिक इसने ऐसा नहीं करा यही तो ज्ञान है माता रानी का और क्या ज्ञान समझ आ रहा है भगवान जी क्यों बोलते थे बेटी वाली की माँ को मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि बहू के साथ बेझिझक थोड़ी वो करेगी बहू भी वैसे नहीं करेगी बेटी भी नहीं बेटी के साथ वो वो होते हैं तो उनको वैराग नहीं आना है इतनी समझदारी की बातें हैं ये गुरु क्या बताते हैं हम समझेंगे हमेशा मैं ही राइट हूँ वो गलत है ये सब चीज़ों को अभी से समेटना शुरू करो नौ दिन पावरफुल हमें मिले हैं हमारी लाइट जगती रहे जो कल पहले बताया दीवे हमारे जलते रहे रोशनी जलती रहे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी आत्मा में वो हल्का हल्का रहेगा इसमें प्यार ही तो है सारा प्यार का दीवा जलाना है प्यार की रोशनी लानी है जगमग जगमग दिवाली तक जलते रहो अभी जगते रहो वही दुर्गा में पावर है वही हमारे में है क्या फर्क है बताओ हम रोज का रोज होमवर्क नहीं करते हैं डिटैच नहीं होते हैं डिटैच में बहुत शक्ति है किसी भी चीज से अटैच हो मोह क्या है मोह हमारी शक्ति को कमजोर कर देता है रोज के रोज हमने कार्मिक अकाउंट खत्म करने हैं हम सुजागी में नहीं रहते हैं फिर पश्चाताप कर ले आज वाले नवरात्रे में पुरानी बातों को छोड़ दें सारी मैं ही राइट हूँ नहीं वो भी, भी यही तो दुर्गा है कि मैं ही चंडी हूँ मैं ही दुर्गा हूँ मैं ही शैलपुत्री हूँ आखिर तक हमारी लाइट चलती रही यही तो जीने की कला है और यही मरने की कला है जिसने जीने की कला अपना ली ये मरने की कला में अपने आप हम शांति से जाएंगे दुनिया से कितना प्यारा ज्ञान है ये हरिओम हरिओम खूब सारे आशीर्वाद